प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। एक बार फिर से टीएमसी और भाजपा आमने सामने आ गई है। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के मार्च नबन्ना चलो को लेकर एक बार फिर से बंगाल में राजनीतिक हिंसा देखने को मिली। ममता के गढ़ बीजेपी का हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी आमने सामने। बीजेपी के नबन्ना चलो अभियान की आग में बंगाल। नबन्ना मार्च की ममता सरकार ने नहीं दी इजाजत। बीजेपी और प्रशासन के बीच झड़प, कई कार्यकर्ता हुए घायल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने आज नबन्ना चलो अभियान का आह्वान किया है, जिसकी वजह से राज्य में सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में जगह जगह पुलिस ने नबन्ना चलो अभियान में शामिल होने जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को राज्य सचिवालय नबन्ना तक भाजपा के मार्च के दौरान संतरागाछी जाने की कोशिश करते समय हिरासत में लिया गया। हिरासत से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को नॉर्थ कोरिया बना दिया है। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी के अलावा भाजपा के नेता एवं सांसद लौकिक चटर्जी और पार्टी नेता राहुल सिन्हा को भी हिरासत में लिया गया और उन्हें एक जेल वैन में ले जाया गया। उन्हें सचिवालय के पास सेकंड हुगली ब्रिज के नजदीक पुलिस परीक्षण स्कूल के सामने रोका गया। दरअसल राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ नबन्ना अभियान में हिस्सा लेने के लिए राज्य भर से भाजपा कोलकाता और पड़ोसी हावड़ा पहुंचना शुरू हो गए थे। कोलकाता पुलिस ने भाजपा के नबन्ना चलो मार्च से पहले ही कोलकाता में राज्य सरकार के नए सचिवालय के पास भारी बैरिकेडिंग लगा दी। साथ ही नबन्ना चलो मार्च में भाग लेने के लिए कोलकाता जा रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर उत्तर 24 परगना में रोक दिया गया। इससे पहले आज रानीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसके अलावा पुलिस कार्यकर्ताओं को नबन्ना चलो मार्च में भाग लेने के लिए कोलकाता जाने से रोक रही थी। और भी कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अभी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी के बीच झड़प चल रही है। बता दें कि भाजपा के नबन्ना अभियान को रोकने के लिए पुलिस ने जवानों की भारी तैनाती की है। जुलूस को रोकने के लिए कोलकाता की सीमाओं को कड़ी सुरक्षा के बीच बंद कर दिया गया है। हावड़ा में भी बीजेपी के मार्च को देखते हुए भारी बैरिकेडिंग कर दी गई है। देखने वाली बात होगी कि प्रदर्शन में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच।